अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 वेक्टर्स, इसकी एक्सरसाइज 8.1, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर्स 4i प्लस 2j माइनस 3k एंड my माइनस j प्लस अंडर रूट 3k हैव सेम मैग्नीट्यूड। हमने इसमें m की वैल्यू बतानी है और ये दो वेक्टर्स हैं, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। एक वेक्टर को हमने लेट कर लिया, इसको नाम दे दिया a, a इज इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस 3k, और दूसरा वेक्टर है उसको हमने नाम दे दिया b, b इज इक्वल टू my माइनस j प्लस अंडर रूट 3k। तो हम इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे, पहले देखेंगे a मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आती है। अब मैग्नीट्यूड का तरीका क्या है, अंडर रूट और फिर i j k, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर लेना है आपने। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 16 प्लस 4 प्लस 9, तो इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी 29। इसी तरह लेंगे बी मैग्नीट्यूड। अब बी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी, यहाँ भी ऐसे ही करना है, स्क्वायर रूट लेना है और फिर इनके कोएफिशिएंट्स एम का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट है माइनस वन का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट है अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। और एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे प्लस ही लगेगा, इधर चाहे माइनस आ रहा हो, माइनस को आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो आगे चल के प्लस हो जाएगा। अभी आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री, तो इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में बताया हुआ था ए और बी की मैग्नीट्यूड दोनों की क्या है, सेम है। ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू है बी मैग्नीट्यूड। अब ए की मैग्नीट्यूड क्या थी, अंडर रूट 29, और बी की मैग्नीट्यूड एम स्क्वायर प्लस 4 और स्क्वायर रूट। अब बोथ साइड जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, बोथ साइड जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 29 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 4, 4 को इस साइड पे लें तो 29 माइनस 4 इज इक्वल टू एम स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू एम, तो ये हमारी एम की वैल्यू आ गई। ये स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पॉइंट्स आपको गिवन है, गिवन दैट द पॉइंट्स ए 1 2 माइनस 1, बी है माइनस 3 1 2 एंड सी है 0 माइनस 4 3। आपने इसमें ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है। अब इसका पहला पार्ट हम करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। तो ये ए बी जो है ये आपने याद रखना है, ये इक्वल टू होता है ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी जो है ये एक यूनिट वेक्टर है और ओ ए भी एक यूनिट पोजीशन वेक्टर है, ये भी एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, जो हम ओरिजिन से लेते हैं। अब पहले आप बी की वैल्यू लिख दें। अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस 3 1 और 2 और फिर ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू है 1 2 और माइनस 1। आपने याद रखना है ये जो ए बी है, जो बाद वाला है उसे पहले लिखना है। तो ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, तो इसे माइनस करेंगे, माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 2 और 2 प्लस 1, तो इसे सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा माइनस 4 माइनस 1 और 3, तो ये हमारा ए बी आ जाएगा। तो देखिए हमने इजीली सॉल्व कर लिया इसे। इसी तरह हम फाइंड करेंगे बी सी। अब बी सी किसके इक्वल होगा, ओ सी माइनस ओ बी। फिर वही बात कि ये जो बाद में है इसे पहले लिखना है और पहले वाले को बाद में। ओ सी क्या था, तो सी की वैल्यू हम देखेंगे, सी की वैल्यू थी 0 माइनस 4 और 3, और बी की वैल्यू है
माइनस थ्री, वन और टू। अब इसे माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अब इसे माइनस कर लें तो ये आ जाएगा बी सी इक्वल टू ज़ीरो प्लस थ्री और माइनस फोर माइनस वन, थ्री माइनस टू, तो ये थ्री माइनस फाइव और वन, तो ये बी सी आ गया। इसी तरह फाइंड करेंगे ए सी, तो ए सी इक्वल टू होगा ओ सी माइनस ओ ए। अब ओ सी क्या है, ज़ीरो माइनस फोर और थ्री, और ओ ए है वन टू और माइनस वन। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वन माइनस फोर माइनस टू और थ्री प्लस वन। माइनस कैसे करना है, हमने इस फर्स्ट वन में से फर्स्ट वन, सेकंड में से सेकंड और थर्ड में से ये थर्ड, तो ये आ जाएगा माइनस वन माइनस सिक्स और फोर। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना था कि ए बी प्लस बी सी ये इक्वल टू है ए सी के। तो अब हमने ए बी फाइंड किया हुआ था, ए बी किसके इक्वल था जी, यहाँ पे देखें ए बी, ए बी इक्वल टू था माइनस फोर माइनस वन और थ्री, माइनस फोर माइनस वन और थ्री, और बी सी इक्वल टू है थ्री माइनस फाइव और वन। अब इसे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस थ्री, ऐड भी उसी तरह करना है, ये पहला पहले में, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में, और माइनस वन माइनस फाइव, थ्री प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस सिक्स और फोर। अब आपने चेक करना है कि क्या ये ए सी के इक्वल है, यहाँ देखें माइनस वन माइनस सिक्स और फोर, तो ये हमारा ए सी था, तो ये ए सी के इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू है ए सी के। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर फोर। अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है जी, फाइंड द लेंथ्स ऑफ साइड्स, फाइंड द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are एक ट्राइंगल की लेंथ फाइंड करनी है, उसके वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं, ए है टू फोर माइनस वन, बी आपको गिवन है फोर फाइव वन, और सी आपको गिवन है थ्री सिक्स और माइनस थ्री। एंड आल्सो फाइंड and also show that the triangle is right angle triangle. अब हमने एक तो इसकी ट्राइंगल की ये वर्टिसेस गिवन है, हमने इसकी फाइंड करनी है साइड्स की लेंथ। तो पहले हम साइड्स फाइंड करेंगे, ए बी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ए बी किसके इक्वल होगा, ओ बी माइनस ओ ए। आपने फिर भाई बात याद रखनी है कि ये जो बाद वाला है इसे पहले लिखना है और पहले वाले को बाद में। अब ओ बी किसके इक्वल है, फोर फाइव वन, और ओ ए टू फोर और माइनस वन। अब हमने सॉल्व कैसे करना है, इस फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, फोर माइनस टू कॉमा फाइव माइनस फोर, फिर कॉमा डाल के वन, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
इसके साइन चेंज करके आपने लिखना है, तो ये आएगा 2, 1 और 2, ये इसके ए बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपने फाइंड करनी थी लेंथ, तो ए बी की लेंथ क्या होगी, लेंथ को मैग्नीट्यूड को भी कहते हैं या मैग्नीट्यूड को हम लेंथ भी कहते हैं, तो ये आपने इनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर लेना था और अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 4, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 9 अंडर रूट, और इसको हम 3 भी लिख सकते हैं। तो ये ए बी की लेंथ आपने फाइंड कर ले। इसी तरह हम फाइंड करेंगे बी सी, अब बी सी इसके इक्वल आएगा, ये फिर आपने याद रखना है ओ सी माइनस ओ बी, किस तरह करना है, सी पहले लिखना है और बी बाद में। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 3, 6 और -3, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5 और 1। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे जी, 3C ये आएगा 3 -4, 3 -4, 6 -5 और -3 -1, 3 -4 -1, 1 और -4। तो इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे बी सी की, मैग्नीट्यूड आएगी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये इक्वल होगा 1 प्लस 1 प्लस 16 अंडर रूट 18, ये बी सी की लेंथ आ गई। इसी तरह हम लेंथ फाइंड करेंगे ए सी की, ए सी इक्वल टू होगा ओ सी माइनस ओ ए, अब ओ सी किसके इक्वल है, 3, 6 -3, और ओ ए इक्वल है 2, 4 और -1, तो ये हो जाएगा 3 -2, 6 -4, -3 + 1, आएगा 1, 2 और -2, और फिर इसकी लेंथ फाइंड करेंगे ए सी की लेंथ, लेंथ ऑफ ए सी या मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 1 + 4 + 4, तो ये भी अंडर रूट 9 आएगा, तो ए सी की लेंथ कितनी होगी, 3। जी स्टूडेंट्स, ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें हमने इसकी साइड्स की लेंथ फाइंड करनी थी। अब हमने दूसरा पार्ट करना है, उसमें ये है शो दैट द ट्राइंगल इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल शो करने के लिए इस राइट एंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें 1 एंगल 90 के इक्वल होता है। अब 90 एंगल तो यहाँ पे हम शो कर ही नहीं रहे, तो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल में एक और थ्योरम लगता है, पैथागोरस थ्योरम, जिसमें होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि हमने ए बी लेंथ फाइंड की थी, ए बी कितनी थी, ए बी थी 3, और बी सी, बी सी है अंडर रूट 18, और ए सी ये है 3। अब जो इसमें सबसे बड़ी साइड होगी, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा 18, और इसमें एक परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। अब हम देखेंगे कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हो, इसको हम लेबल कर लेते हैं ए बी सी, बी सी हमारा 18 हो गया, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ देखिए बी सी कितना था, अंडर रूट 18, इसका स्क्वायर आ गया,
ए बी कितना है 3, इसका स्क्वायर आ गया। ए सी कितना है 3, इसका स्क्वायर आ गया। तो 18 इज इक्वल टू 9 प्लस 9, 18 इज इक्वल टू 18, तो ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब है कि ये ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये प्रूव हो गया। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर ऐसा हो तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा।